With this, and now we are going to begin our first chapter, and the chapter is Who did Patrick's homework? मतलब Patrick कोई बंदा है, उसका homework किसने किया? And who has written this amazing chapter? Carol Mool. Carol Mool ने ये जो chapter है वो लिखा हुआ है, and ये chapter बहुत interesting है. Now let's start reading. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. Achha guys, here, when we are learning English literature, agar hum pad rahe hain, toh remember ki मस्ती तो होगी, बहुत सारी मस्ती होगी, बट हम सबको आज की डेट में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना आना चाहिए अगर इफ़ वी हैव टू फेस द वर्ल्ड, बिकॉज इंग्लिश इज काइंड ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज अब. ठीक है, सो जो भी नए वर्ड्स होते हैं, ट्राई टू यूज इट इन योर डेली लाइफ. ट्राई करना कि ये जो वर्ड्स हैं, क्योंकि मीनिंग्स तो हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे एंड आई एम श्योर दिमाग में बैठ भी जाएंगे. सो यूज करना उनको अपनी डेली लाइफ में, तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बी द स्टार ऑफ द क्लास. सो पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. व्हाट डिड ही यूज्ड टू से? ही यूज्ड टू से, ओह टू बोरिंग. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल. क्या मजा आता था उसको, गेम्स खिला लो बस, हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो. निंटेंडो क्या होता है? निंटेंडो इज अ वीडियो गेम, यू मस्ट नो इट. His teachers told him, teachers क्या कहते थे, Patrick, do your homework, या तो तुम, अगर तुम अपना homework नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा, you would not learn a thing. And it's true, कभी कभी उसको feel भी होता था that he is like an ignoramus. Ignoramus मतलब an ignorant person who lacks education. एक बंदा जिसके पास, जो educated नहीं है, जिसको नहीं आता. सो अगर मान लो फिफ्थ स्टैंडर्ड में उसे प्लस माइनस करना भी नहीं आता, तो यू वुड कॉल हिम एज एन इग्नोरेमस पर्सन. ओके, लाइक एन इग्नोरेमस, ये एक नाउन की तरह यूज होगा, यू से ही इज इग्नोरेमस. ओके, और एन इग्नोरेमस पर्सन नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं करेंगे, हम इसे नाउन की तरह यूज करेंगे. बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. लेकिन अब पैट्रिक क्या करे, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था. अब टीचर्स कुछ भी बोले नहीं अच्छा लगता था, अब वो बेचारा क्या कर सकता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. उसके बाद उसके पास एक छोटी सी कैट थी और उसने क्या देखा कि जो कैट है वो कोई के साथ, छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, और उसने तुरंत उस डॉल को हटा लिया, क्योंकि जो कैट थी वो उस डॉल के ऊपर चढ़ रही थी, एकदम अपने जो क्लॉज थे उसके साथ उससे खेल रही थी, तो उसने वो डॉल को हटा दिया. ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब करने का मतलब क्या होता है, सीज सडनली, एकदम से पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना. ओके, टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज. लेकिन वो कोई डॉल नहीं थी, वो तो एक छोटा सा आदमी था, सबसे टाइनियस्ट मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का वो एक आदमी था. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. अच्छा, ये जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे इसमें जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स यूज किए हैं. जैसे यहाँ पे जो है breeches और ये witch's, ये उन्होंने एक राइमिंग वर्ड यूज किया है. सो पोम नहीं है, चैप्टर है, लेकिन उन्होंने राइमिंग काफी यूज करी हुई है. अब वो बंदे ने, वो जो छोटू सा जो एल्फ टाइप का था, एल्फ का मतलब क्या होता है, जो मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं, वो बहुत टाइनी होते हैं, उनके पॉइंटेड ईयर्स होते हैं और दे हैव मैजिकल पावर्स. ठीक है, तो वो एल्फ था, वो एक छोटू सा बहुत टाइनियस्ट साइज का एक मैन था. वो कैसा दिखता था, क्या पहना था उसने, उसने एक लिटिल वूल शर्ट पहनी हुई थी, एक शर्ट पहनी हुई थी, वूल शर्ट पहनी हुई थी. वूल मतलब जो अपन ठंड में पहनते हैं. ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ब्रीचेस क्या होता है, ब्रीचेस फॉर शॉर्ट ट्राउजर्स. द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड ब्रीचेस. तो इट्स नॉट ब्रीचेस, इट्स एक्चुअली ब्रीचेस, जिसका मतलब होता है ट्राउजर्स होते हैं वो, पैंट्स होती हैं वो, लेकिन जस्ट टू राइम विद द वर्ड ब्रीचेस उसने ब्रीचेस किया उसको. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I will grant your wish. I promise you that." Now again, listen. Again, it's rhyming. Save me! Don't give me back to that cat!
आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट. ओके, सो यहाँ पे भी आपका जो ये कैट है और ये दैट है वो राइम कर रहा है. तो उसने क्या बोला, प्लीज मुझे वापस उस कैट को मत दो, मैं तुम्हारी कोई भी विश ग्रांट कर दूंगा. एक विश मैं तुम्हारी ग्रांट करूंगा. एक जो ग्रांट करने का मतलब क्या होता है, देना, टू गिव. ओके, और वो उसने येल किया, मतलब वो जोर से चिल्लाया, प्लीज 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 डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे, मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर दूंगा. तो उसने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज. उसको लगा ओ माय गॉड, विश पूरी हो जाएगी मेरी. अच्छा वो क्या विश मांगेगा, वो ऑब्वियसली कुछ तो बहुत ही रिलेटेड मांगने वाला है. हियर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. सब बोलते थे होमवर्क करो होमवर्क करो होमवर्क करो. अब नाउ ही हैज फाइनली गॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. उसने बोला ओ ठीक है, तो मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब तुम मेरा होमवर्क करोगे, वो भी कब तक, सेमेस्टर खत्म होते तक. मतलब फॉर द नेक्स्ट 35 days यू विल हैव टू डू माई होमवर्क. इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट A's. और उसने क्या बोला, और अगर तुम अच्छा काम करोगे, मेरा होमवर्क बहुत अच्छे से करोगे, तो हो सकता है मुझे A ग्रेड B मिल जाए. ओके, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड विद अ डिश लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. जैसे उसने बोला तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो उसका फेस कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया. रिंकल्ड का मतलब जो ये आपके पूरे फेस पे फोल्ड्स आ जाते हैं जब आप परेशान होते हैं, उसे कहते हैं. उसका पूरा फेस रिंकल्ड हो गया. कैसा रिंकल हुआ वो, लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. मतलब जब आप कपड़े मतलब जब आप सुखाने के लिए जाते हो, तो जैसे आपने कपड़े निचोड़ दिए तो कैसे दिखते हैं, पूरे रिंकल्ड रिंकल्ड रहते हैं. हैम्पर मतलब क्या होता है, एक बास्केट में. तो बास्केट में जब आप डाल देते हो सुखाने के लिए, छत पे लेके जाते हो, उसके पहले कपड़े कैसे दिखते हैं, एकदम रिंकल्ड देते हैं ना, वैसा हो गया था उसका फेस. He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. So he kicked his legs. उसको इतना गुस्सा आया कि उसने एक लात मारी. He kicked his legs and doubled his fists. Doubled his fists मतलब एकदम ऐसे करना, जैसे अगर अपन को किसी से फाइट करनी है तो हम अपने आपको कैसे रेडी कर लेते हैं, अपने फिस्ट रेडी कर लेते हैं एक मुक्का मारने के लिए, राइट. तो उसने doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Now grimaced का मतलब क्या होता है, grimaced scowled and pursed his lips का मतलब उसका जो फेस था वो पूरा कैसा हो गया था, जिसमें उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि नहीं मुझे नहीं करना, डिसअप्रूवल वाला पूरा उसके फेस पे एक्सप्रेशंस थे. ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. उसको लगा अरे यार एम आई कर्स्ड, मतलब क्या मैं श्रापित हूँ क्या, जिसको देखो मुझे यही काम बोलता है. मे भी उसको भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. उसने बोला या ओके आई विल डू इट, बस मुझे उस कैट को मत देना. वाओ, जस्ट इमेजिन होमवर्क भी करने को कोई मिल गया, वो भी मैजिकल क्रिएचर. अब तो फटाफट होमवर्क हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, टीचर से डांटनी पड़ेगी, मम्मा पापा से डांटनी पड़ेगी. वाओ, पैट्रिक की लाइफ तो सॉर्टेड थी बॉस. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. अब वो उसने जो प्रॉमिस किया है वो तो निभाना पड़ेगा, राइट. ये सलमान खान का कमिटमेंट था. तो पैट्रिक जो था उसका काम, उसका पूरा होमवर्क ये एल्फ करने लग गया. एल्फ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज एल्फ, अ सुपरनैचुरल क्रिएचर ऑफ फोक टेल्स, मतलब कहानियों में ये होता है. टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज अ स्मॉल डेलिकेट एल्यूसिव फिगर इन ह्यूमन फॉर्म विद प्रिंट पॉइंटेड ईयर्स, मैजिकल पावर्स एंड अ कैप्रिशियस नेचर. सो बेसिकली इसको अगर मैं नॉर्मल इन लाइक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, लेमन लैंग्वेज मतलब जो हमें समझ में आ जाती है, कि एल्फ एक छोटा सा क्रिएचर, बहुत टाइनी होते हैं, पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनमें मैजिकल पावर्स होते हैं, राइट. तो अब उस एल्फ ने उसका होमवर्क करना स्टार्ट किया, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ज्यादा सब कुछ ठीक था, बस एक ग्लिच था. ग्लिच का मतलब क्या होता है, जैसे मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हम ग्लिच कहते हैं. ग्लिच क्या था, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. अब प्रॉब्लम ये थी कि एल्फ को सब कुछ आता नहीं था, उसको हमेशा पता नहीं होता था उसे क्या करना है और उसको हेल्प चाहिए होती थी.
help me, he would say. तो जैसे उसको समझ नहीं आता था कि यार यार होमवर्क कैसे करना है, तो he would start yelling, help me, and Patrick would have to help, और Patrick को help करना पड़ता था, in whatever way, हर तरीके से help करना पड़ता था. अब इसका example समझो, कि मान लो तुमने किसी को बोला कि यार तुम मेरी प्लीज होमवर्क में हेल्प करो, उसने बोला हाँ ठीक है, तुमने बोला ये मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करना, उसने बोला हाँ ठीक है मैं सब कर दूंगा, और उसके बाद बोलता है अच्छा वो सब तो ठीक है, एडिशन नहीं आता मुझे, हाँ सब्ट्रैक्शन नहीं आता मुझे, ये टेबल्स क्या होते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको सब बताना पड़ेगा, एक तरीके से होमवर्क तुम ही को करना पड़ेगा. नाउ समथिंग लाइक दैट हैपेंड विद पैट्रिक. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. उसने चिल्लाया, स्क्वीक मतलब एकदम जोर से चिल्लाना, कि अरे मुझे तो ये वर्ड पता ही नहीं है, मैं तुम्हारा होमवर्क कैसे करूं, गेट मी अ डिक्शनरी. और उसने बोला तुम मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ, क्योंकि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता. नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. उसने बोला कि यार एक काम करो तुम डिक्शनरी लेके आओ. फिर उसने बोला नहीं नहीं डिक्शनरी लेके मत आओ, तुम बेटर काम करो, तुम डिक्शनरी लेके भी आओ, वो वर्ड को ढूंढो भी और मेरे लिए उसे पढ़ के भी बताओ. तो अब ये पूरा काम जो है ये पैट्रिक जी के माथे आ गया. When it became to maths, अब जब maths की बारी आई, Patrick was out of luck. Patrick का तो एकदम कोई मतलब ही नहीं था elf को रखने का. What are times tables? The elf shrieked. तो उसने क्या किया, जोर से चिल्लाया, वो ये times tables क्या होते हैं, मतलब जो हमारे tables होते हैं 2 2 4 2 3 6, ये times tables क्या होते हैं, We elves never need that. हमें तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इनकी. And addition and subtraction and division and fractions, ये क्या होता है ये सब, addition, subtraction, division, fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. तो उसने बोला ये सब क्या होता है, मुझे तो नहीं आता, तुम बैठो मेरे बगल में और सिखाओ मुझे, बताओ मुझे क्या करना है. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. उन्होंने अब पहला तो आ गया English. भाई साहब को समझ ही नहीं आए, वर्ड्स ही नहीं आए. दूसरा मैथ्स, ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ये भी नहीं आया. अब बोलता है ये हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री तो एल्फ्स के लिए हमेशा एक मिस्ट्री थी. एंड देन सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. वो ऑलरेडी चिल्लाता था, वो और जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या होता है, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स. उसने बोला ये क्या है हिस्ट्री, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी के अभी लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. तो मेरे लिए बुक्स भी लेके आओ और फिर मेरे साथ उसको रीड भी करो. ओ भाई साहब ये कौन किसका होमवर्क कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. तो एवरी डे जब भी होमवर्क करना होता था, दिस लिटिल हेल्प वॉज एल्फ वॉज अ नैग. नैग का मतलब क्या होता है, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग. अरे ये करो, ये मत करो, अरे ये ऐसा क्यों कर दिया. तो जो पूरे टाइम आप किसी को ऐसा बोलते हो उसको नैग करना कहते हैं. ठीक है, यूजुअली हम अपने सिबलिंग्स को नैग करते हैं, हमारे सिबलिंग्स हमें नैग करते हैं, कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को भी नैग करते हैं. सो नैग का करना मतलब पूरे टाइम बताया ये क्यों किया, ये क्यों नहीं करा, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज नैगिंग. पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग. ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी. सो अब वो यहाँ पे क्या बोलता है, पैट्रिक ने बहुत मेहनत की, ही हैज वर्कड हार्डर देन एवर, क्योंकि उसको होमवर्क कंप्लीट करवाना था, उसके हिसाब से उसका होमवर्क कोई और कर रहा था, लेकिन सारी मेहनत कौन कर रहा था, पैट्रिक कर रहा था. ही वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. ड्रैग का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज टोटली अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग. ओके, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब होमवर्क को खत्म करने के लिए वो रात रात भर जाग रहा था. हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने कभी फील नहीं किया था कि ये इतना थकाने वाला होगा. वेरी का मतलब क्या होता है, एकदम टायर्ड. अब रात रात भर लिख रहा है वो, इतना लाइब्रेरी जा रहा है, वर्ड मीनिंग्स देख रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा थकान हो रही थी. वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और वो कैसे जाता था अपने स्कूल, एकदम उसकी जो आंखें होती थी वो एकदम मोटी मोटी हो गई थी, क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था. एंड ब्लेरी, ब्लेरी का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत डल सा लुक आ जाता है, तो वो एकदम थक के, एकदम बहुत, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की हुई थी, तो एकदम थक होके, थक हार के जाता था स्कूल.
Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. अब last day आ गया, वो 35th day आ गया and elf जो था, he was free to go. As for homework, there was no more. अब कोई homework नहीं था. So he quietly and slyly slipped out the back door. तो उसको लगा यार अब तो कोई homework नहीं है, फिर से नहीं पकड़ ले, कोई काम ना करा ले. तो quietly and slyly, quietly मतलब चुपचाप और slyly मतलब क्या होता है, secretively मतलब एकदम दबे पांव, किसी को पता ना चले, वैसे करके वो पीछे के दरवाजे से खिसक लिया. So no more homework and it's all done. Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise. पैट्रिक को क्या मिल गया? He got A grade. उसको हर सब्जेक्ट में A मिला. एंड उसके जो फ्रेंड्स थे वो अमेज्ड हो गए थे कि ओ माय गॉड, पैट्रिक के इतने अच्छे मार्क्स. और उसके टीचर्स सब दे वर लाइक फुल ऑफ प्रेज, मतलब वो उसकी खूब तारीफ कर रहे थे. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक. और उसके पेरेंट्स को लगा यार ये क्या हो गया, हमारा बच्चा अभी तक जो था वो सी ग्रेड लाता था, बी ग्रेड लाता था, ये अचानक से ए ग्रेड कैसे लेके आने लग गया. He was now the model kid. अब सारे टीचर्स जो थे, जो बाकी के जो बच्चे थे जो शायद होमवर्क नहीं करते थे या पढ़ाई में उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, वो सब लोगों को पैट्रिक का एग्जाम्पल दे रहे थे. मतलब वो अब मॉडल किड हो गया था कि उसके जैसा बनो, पैट्रिक के जैसा बनो. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे. क्या चेंजेस आए थे? वो अपना रूम क्लीन रखता था. ही डिड हिज चोर्स. चोर्स का मतलब क्या होता है, इसे प्लीज कोर्स मत बुलाना, इट इज चोर्स. चोर्स का मतलब होता है जो आपके डेली के काम होते हैं, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठोगे, यू विल ब्रश योर टीथ, यू विल गो फ्रेशन अप, एंड आपको अपना टिफिन पैक करना है या आपको अपना होमवर्क करना है, ये सब आपका डेली का बहुत ही बोरिंग काम होता है, राइट? इसको हम कहते हैं डेली चोर्स. वॉज चीयरफुल, वो बहुत खुश रहता था. Never rude, वो किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता था. Like he had developed a whole new attitude. मतलब अब ऐसा लगता था कि पैट्रिक ने एक नया एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर लिया. एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप किसी भी तरीके से किसी चीज को, किसी इंसान को किस तरीके से देखते हो, उसको किस फीलिंग के साथ देखते हो, उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो चुका था. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. उसको अभी भी लग रहा था कि पूरा होमवर्क किसने किया, वो एल्फ ने किया. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. लेकिन एक सीक्रेट है जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में है. इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. एल्फ ने नहीं किया उसका होमवर्क, पैट्रिक ने उसका होमवर्क खुद किया था. मे बी थोड़ा राइटिंग पार्ट एल्फ ने किया होगा, लेकिन पैट्रिक ही तो था जो पूरा बता रहा था कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वर्ड मीनिंग्स क्या है, हिस्ट्री रीड करना, लाइब्रेरी जाना. सो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर गाइस. द नेम वाज हु डिड पैट्रिक.